तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ, ये हमारी मैडम है, ये बताएंगी आप। हाँ जी सर, सबको हमारा नमस्कार जी। मैं अभी मैं झांझर साइड पे आई हूँ। ये जो साइड है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है। ये साइड आपको जमीन दे रही है, टू साइड ओपन ही मान के चलिए। आगे से भी अगर हम एंट्री करेंगे वहाँ भी हमें 60 फुट का रोड मिल रहा है, और अभी जो जहाँ से भी हमारा न्यू साइड जो लॉन्च होकर एड हुआ है ये साइड, उधर से भी हमारा 60 फुट का रास्ता मिल रहा है। हमारा जो एयरपोर्ट है यहाँ से दूरी जो है सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर के दायरे पर ये हमारा दूरियाँ हैं। और यहाँ से जो फिल्म सिटी के बारे में भी आप सुने होंगे कि फिल्म सिटी का जो है हमारा जो काम हो रहा है, वो फिल्म सिटी भी हमारा 5 से 7 किलोमीटर के दायरे पर है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. तो देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आज झाझर में आया हूँ, झाझर, और जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ ये गोल्डन हेवन सिटी है, और मेरे सामने ये मेन एंट्री का गेट है, और मेरे इस साइड ज़मीन है काफ़ी सारी, पूरी यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं आप, ये पूरी ज़मीन बिक रही है और उसमें काफ़ी सारी ज़मीन बिक चुकी है, और ये झाझर में है, और ये जेवर से पहले पड़ जाता है। मैंने आपको अगली वीडियो दिखाई थी तो जेवर में दिखाई थी, अब ये झाझर में, और इस ज़मीन की जहाँ तक निकल जा रही है सारी ज़मीन इस टाइम बिक रही है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग इमरान वी के। दोस्तों आज आया हूँ मैं झाझर सिटी पे, झाझर ये पूरा एरिया झाझर लगता है। मैंने अगली बार आपको दिखाया था जेबर में जो ज़मीन कट रही थी वहाँ की पूरी लोकेशन दिखाई थी किस तरीके से, और आज मैं आया हूँ झाझर में, और इस सिटी का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा। मिश्रा सर जी कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। और बताइए आप, ये दूसरी साइड पर आए हुए हैं आज हम दूसरी साइड पे आए हुए, तो बताइए किस हिसाब से क्या ज़मीन कट रही है और इसका नाम क्या है? इस सोसाइटी का नाम तो पहले जान लीजिए, इस सोसाइटी का नाम है गोल्ड हेवन सिटी के नाम से है। इस लोकेशन है झाझर, एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर पहले है। हाँ, बस प्लॉट लेने का सिस्टम वही है, 100%, 40%, 30%। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, आपका मैक्सिमम यहाँ 11,200 से लेकर 12,700 तक का प्लॉट है। तो यहाँ पे इस टाइम पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, तो इस टाइम पे नज़दीक यहाँ पे कौन सी ऐसी फेमस जगह है जो यहाँ पे फेमस है? झाझर मार्केट दिखा दीजिए, बिल्कुल सामने है। अच्छा मार्केट, अच्छा मार्केट है, और कुछ फेमस है यहाँ पे? बगल में गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर, और बुलंदशहर के बॉर्डर पर है अपनी साइड। अच्छा, कुछ बस अड्डा भी यहाँ पे सुने में आया, भी बगल में एकदम अपने सोसाइटी के बराबर में इंटरनेशनल बस अड्डा है। अच्छा, बस अड्डा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे 50 गज, 60 गज, 75 गज, 200 गज और 300 गज, टोटली सब तरीके के प्लॉट हैं। आप जितने प्लॉट लेना चाहें अभी अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल बस अड्डा भी है, बिल्कुल सिटी के बराबर में है, और काफ़ी बड़ी ज़मीन है और काफ़ी प्लॉट अभी खाली हैं। आप लोग आना चाहें तो यहाँ विजिट कर सकते हैं आके, और यहाँ ज़मीन पर देख सकते हैं किस किस तरीके से, पहले प्रॉपर तरीके से ज़मीन को देखें आप, फिर यहाँ के कागज़ चेक करें, कागज़ चेक करने के बाद ही आप प्लॉट लें, और 2100 रुपये दे के, सिर्फ 2100 रुपये दे के आप अपने प्लॉट को टोकन में नहीं लें। तो चलिए दोस्तों मैं आगे पूरी प्रॉपर तरीके से ज़मीन दिखा देता हूँ आपको, ये ज़मीन कैसी कैसी है, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कहीं भी ज़मीन की ज़रूरत हो तो आप ज़मीन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, सारी ज़मीन टोटल बिक रही है।
मैं अब ज़मीन के और थोड़ा आगे आ चुका हूँ और आपको मैंने अभी ज़मीन सारी दिखाई है। और ये हमारे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी कह रहा है तुम पूरी ज़मीन घूम लो, अगर ज़मीन इतनी बड़ी कटी हुई है मान के चलो इसको घूमने में कम से 2-3 4 घंटे चाहिए घूमने में। और मेरे पीछे जितने देख सकते हैं मिश्रा जी खड़े हैं हमारे, और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, और देख सकते हैं जितना मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितनी भी ज़मीन दिख रही है आपको, ये सारी टोटल नक्शे से कटी हुई है और काफ़ी 50-60% ज़मीन बिक चुकी है, हो चुकी है। और बाउंड्री भी दिखा सकता हूँ आपको, ये बाउंड्री मेरे बैक साइड बाउंड्री भी हो चुकी है, ज़मीन जहाँ जहाँ तक अपनी कब्जे में आ गई है वो पूरी बाउंड्री हो चुकी है। और देख सकते हैं मेरे काफ़ी दूर के साइड लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग ज़मीन देखने आए हुए हैं और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपने कब्जे ले रहे हैं और कुछ लोगों ने कब्ज़ा भी लिया है, आपको दिख रहा हो शायद नहीं दिख रहा हो, ये बाउंड्री हुई हुई है, कुछ लोगों ने अपने मकान ज़मीन लेने के बाद अपनी बाउंड्री करा ली। डी साइड की भी एल साइड की भी प्लॉट हैं, जल्दी करो, एल साइड के प्लॉट लेने में वैल्यू अच्छी रहती है, तो एल टाइप के प्लॉट काफ़ी हैं अभी यहाँ पे, आप लेना चाहो तो ले लो क्योंकि एल टाइप की वैल्यू हमेशा टॉप पे रहती है, मतलब आप लोगे और आपके बच्चे बरतेंगे, ऐसी ज़मीन है ये। और आज 4-5 लाख रुपए की 10 लाख रुपए मिल रही ज़मीन, आने वाले वक्त में जो है यही ज़मीन 30-40 लाख रुपए की होगी, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, इंटरनेशनल बस अड्डा भी बन रहा है, और यहाँ पे पूरी कॉलोनी मेरे आप पीछे देख सकते हैं, और यहाँ फिल्म सिटी भी बन रही है। आएंगे आपको क्या तरीका है और यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से क्या क्या चीज़ नज़दीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ मैडम से, बताइए आप क्या क्या। हाँ जी सर, सबको हमारा नमस्कार जी, मैं अभी मैं झांझर साइड पे आई हूँ, ये जो साइड है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है ये साइड, आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा ये लोकेशन जो है अपना बसावट के साथ ये साइड है, और हमारी कंपनी जो है यहाँ जो आपको ज़मीन दे रही है 2 साइड ओपन ही मान के चलिए, आगे से भी अगर हम एंट्री करेंगे वहाँ भी हमें 60 फुट का रोड मिल रहा है, और अभी जो जहाँ से भी हमारा न्यू साइड जो लॉन्च होकर ऐड हुआ है ये साइड, उधर से भी हमारा 60 फुट का रास्ता मिल रहा है, और हमारे अंदर का जो रोड आपको मिलेगा वो 30 फुट रोड है, उसके अंदर से आ करके जो आपका 2 साइड ओपन का मान लीजिए जो ज़मीन मिलेगा वो 20 फुट का रास्ता है, बहुत ही अच्छा ये लोकेशन का ये साइड है। अच्छा, और हमारा जो एयरपोर्ट है यहाँ से दूरी जो है सिर्फ 5-7 किलोमीटर के दायरे पर ये हमारा दूरियाँ हैं, और यहाँ से जो फिल्म सिटी के बारे में भी आप सुने होंगे कि फिल्म सिटी का जो है हमारा जो काम हो रहा है वो फिल्म सिटी भी हमारा 5-7 किलोमीटर के दायरे पर है, जिस तरह से हम उधर से आएंगे यमुना एक्सप्रेस से 10-15 मिनट का ये रास्ता है, और जैसे ही एयरपोर्ट वाला रोड पे आएंगे तो वहाँ से हमारा बैक में पहले पीछे रह जाएगा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी, बीच में ये हमारा झांझर जो है ये हमारा बस्ती है, ये गांव है, ये बहुत ही अच्छा डेवलप पे है, चारों तरफ से हमारा बसावट के बीच में ये हमारे कंपनी ने साइड लाए हैं, और साइड के साथ साथ जैसे आगे को जाएंगे वो सिकंदराबाद पड़ेगा, सिकंदराबाद के बाद आपका जो है आगे बुलंदशहर पड़ेगा, और रजिस्ट्री जो यहाँ की होती है तहसील हमारा सिकंदराबाद में पड़ेगी, सिकंदराबाद के साथ में बुलंदशहर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, और ये आप लोग यहाँ पे आइए और इस ज़मीन को जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा बेहतरीन ये जो है हमारी कंपनी दे रही है आप लोग को ज़मीन, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, क्योंकि ये जो ज़मीन है आपको ऐसा कंपनी आपको किसी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ डाउन पेमेंट करके 30% करके भी अपना ज़मीन ले सकते हैं, MI जो है अपना बना सकते हैं, MI के रूप में आप अपना ले सकते हैं ज़मीन, क्योंकि इकट्ठे पैसे ना होता है ना ज़मीन कोई खरीद पाता है, लेकिन हमारा सिस्टम में जो है 30% 40% करके भी आप ज़मीन ले सकते हैं, 2.5 साल का किस्त बना सकते हैं, किस्त पर कोई ब्याज नहीं है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ आइए और अच्छा मौका अपना आ करके अपना पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आगे भविष्य के लिए आपके बच्चे के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, सबको नमस्कार। 11,200 का रेट से हमारा शुरुआत है यहाँ पे सर। देखा, सुना आपने, आपने प्रॉपर तरीके से मैडम ने बता दिया, यहाँ पे A to Z पूरी जानकारी दे दी है आपको, और यहाँ पे बेफिक्र होकर आइए आप, और टोटली सारी जगह बता दी है, ये झांझर के अंदर क्या क्या चीज़ नज़दीक है क्या नहीं है वो टोटली सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों आपको, A to Z कहाँ रजिस्ट्री होगी, कहाँ किस तरीके से, किस हिसाब से किस्तें हैं, वो टोटली मैडम ने सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये इनका भी काम यही है प्रॉपर्टी का, इसलिए इनको काफ़ी नॉलेज है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ बताई है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी ज़मीन दिखा दिए और किस तरीके से ज़मीन है पूरी पूरी ज़मीन दिखा दी है आपको, और दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलो दोस्तों मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताता रहूँगा, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ज़मीन लेके डालें आप और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है आपके, और चलिए दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, और फिर आपको दिखाता हूँ कोई और दूसरी साइड जो हमारी कंपनी चल रही है साइड, चलिए दोस्तों बाय बाय। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning.
and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.